इंडिया न्यूज़ सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। सबसे पहले देख लीजिए देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर फायरिंग की गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। फायरिंग में एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशान दिखे। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रंप के हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि अमेरिका में ऐसी घटना हो सकती है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बड़ा खुलासा। कहा यह हमला ट्रंप की हत्या करने के प्रयास में किया गया था। हमलावर को तत्काल मार गिराने में सफल रहे। एफबीआई ने कहा ट्रंप पर हमले की जांच जारी। देश के लोगों के साथ खड़े हैं। जांच के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान हुई। थॉमस मैथ्यू ने चलाई गोली। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी गोलीबारी की घटना की कर रहे हैं जांच। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने ट्रंप पर हमले की निंदा की। कहा दोस्त ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। ट्रंप के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। इंदौर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह की मौजूदगी में बनेगा 11 लाख पौधे रोपने का रिकॉर्ड। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। 3 प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज। झारखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उपचुनाव में मिली पार्टी की जीत पर बोली ममता बनर्जी। हमने उपचुनाव में सभी 4 सीटें जीत ली हैं। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। कहा उनकी सरकार बंगाल विधानसभा के अगले सत्र में भारतीय न्याय संहिता और नीट के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारत पाक सीमा का दौरा किया। जवानों ने यहां पर बताया ड्यूटी किस तरीके से निभा रहे हैं। जवानों से गृह राज्य मंत्री ने मुलाकात की, बॉर्डर का निरीक्षण किया। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के टावर्स का उद्घाटन किया। कहा मीडिया सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आईएनएस टावर्स के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा मीडिया देश के नागरिकों को जागरूक करता है, लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराता है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आजादी के पहले से ही अस्तित्व में है। आपने देश की यात्रा के हर उतार चढ़ाव को बारीकी से देखा है, उसे जिया है और जन सामान्य तक बताया है। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा एक समय था जब नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य अब दुनिया देख रही है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बनेगा 700 मीटर लंबा कॉरिडोर। रामलला दर्शन के बाद सीधे जा सकेंगे सप्त मंडपम। कुबेर टीले को भी जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ डोडा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में यहां पर सेना पूरी मुस्तैदी के साथ में जुटी हुई है। ग्वालियर में इस्कॉन द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा कामना करता हूं कि भगवान की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया सम्मानित। भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर जाकर सीएम ने सम्मानित किया। त्रिपुरा में पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने की संगठनात्मक बैठक। आज से आगरा में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में शॉर्टलिस्टेड 15,000 अभ्यर्थी जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए हैं, ये तमाम अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। सूरत की लैब में बने हीरे पर उकेरी पीएम मोदी की अनमोल छवि।
इसे मोदी डायमंड नाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को दिया था लैब-ग्रोन डायमंड। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शादी समारोह में हंगामा, बारातियों ने खाने में नॉनवेज नहीं मिलने पर बवाल किया, बिना दुल्हन वापस लौटी बारात। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में डायरिया का प्रकोप, मनौरी गांव में अब तक 4 मौत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी सामान से भरे हुए लोडिंग वाहन में आग लग गई, यहां सारा माल जलकर खाक हो गया, ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं। धरती के बेहद करीब से गुजरा हवाई जहाज के बराबर एस्टेरॉयड, 47,921 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आकार और दूरी के कारण खतरे की श्रेणी में नहीं। नासा 150 मीटर से बड़े एस्टेरॉयड को मानता है खतरनाक, सीधा खतरा नहीं होने के बावजूद वैज्ञानिक रख रहे हैं इस पर कड़ी नजर, इन अंतरिक्ष चट्टानों की बदल सकती है कक्षाएं। भारत के स्पेस प्रोग्राम के फैन हुए नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट, 20 साल में भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों को बताया कमाल, स्टीव स्मिथ ने कहा भारत ने जो किया कोई देश नहीं कर पाया। स्मिथ ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन और भारत के पहले प्रयास में मंगल की परिक्रमा की चर्चा की, कहा भारत पिछले साल चंद्रमा पर भी उतरा था, विश्व इतिहास में भारत के कारनामे अलग। भारत में निवेश और व्यापार के लिए लालायित यूरोपीय देश कर सकते हैं धन की बारिश, अगले हफ्ते इटली में होने जा रही G7 देशों की अहम बैठक, भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें हिस्सा लेंगे, इस दौरान धन की बारिश हो सकती है। जो बाइडेन ने तिब्बत समाधान अधिनियम पर किए हस्ताक्षर, चीन के साथ विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर नजर, अधिनियम से समाधान को लेकर चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत को बढ़ावा। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में फटा लैपटॉप, अफरा तफरी के बीच खाली कराया गया विमान, यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड और जेट ब्रिज के जरिए बाहर निकाला गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मियामी जा रही फ्लाइट में यात्री के बैग में रखे लैपटॉप से निकला था धुआं, मामले में जांच के आदेश, विमान से बाहर निकलते समय एक यात्री को मामूली चोट आई। नेपाल में नदी में बही बस के एक भारतीय का शव मिला है, यहां पर दुर्घटना स्थल से 50 किलोमीटर दूर बॉडी मिली, बॉडी जो बाकी है उनकी तलाश चल रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने 10 विकेट से हासिल की दमदार जीत, मैच में यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 93 रनों की पारी खेली जबकि शुभमन ने 58 रन बनाए। टीम इंडिया की जीत के बाद शुभमन हुए ट्रोल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है सेल्फिश, यशस्वी को नहीं मिला T20 शतक पूरा करने का मौका। चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत की खिताबी जीत, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, फाइनल में भारत के लिए अंबाती रायडू ने ठोकी 50। पाकिस्तान के कप्तान यूनिस खान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया था, यहां पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए, भारतीय लीजेंड्स की टीम ने 5 गेंद रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। यूसुफ पठान ने एक बार फिर से बल्लेबाजी में धूम मचा कर रख दी, उन्होंने सिर्फ 16 गेंद में 30 रन बना दिए, वहीं कप्तान युवराज सिंह ने 15 रन बनाए। 18 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ फिर से चला इरफान का जादू, स्विंग देखकर पाकिस्तानियों का माथा चकरा गया, यूनिस भी हो गए हैरान। भारत श्रीलंका सीरीज शेड्यूल में बदलाव, 27 जुलाई से शुरू होगी, अब T20 सीरीज 2 अगस्त से शुरू होगी, अब वनडे सीरीज। रिकी पोंटिंग को दिल्ली कैपिटल्स ने किया सैक, 7 साल में नहीं जीता पाए फ्रेंचाइजी की ट्रॉफी। बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता विंबलडन ओपन, फाइनल में क्रेजिसिकोवा ने पाओलिनी की यहां पर मात देते हुए वो नजर आए, बारबोरा ने पाओलिनी को 6-2, 2-6, 6-4 से हराया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो चुकी है और अब आशीर्वाद सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं, राजनीति से लेकर बॉलीवुड समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी में शामिल हुए पीएम मोदी भी, पीएम की मौजूदगी में मुकेश अंबानी ने कहा अनंत और राधिका 7 जन्मों के साथी बन गए हैं।
अनंत और राधिका के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए निरंजन, पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को शॉल उड़ाकर आशीर्वाद दिया।